नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चौधरी रणजीत सिंह जी की कोठी के बिल्कुल सामने। और यहां पे ये चार युवा आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये चार युवा जो है अपनी एक मांग को लेकर के यहां पे चौधरी रणजीत सिंह जी को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर मुख्यतर इनकी मांग क्या है। अगर सीधा मैं आपको बताना चाहूँ तो मुख्य तौर पर इनकी मांग यही है कि 11/2019 एडवर्टीजमेंट नंबर HSSC की एडवर्टीजमेंट निकाली थी 11/2019 से, तो उसमें इसमें वेरियस कैटेगरीज थी, 27 पोस्टें बता रहे हैं। तो उन पोस्टों के जो एग्ज़ाम ले हो चुके हैं लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट आउट नहीं किया जा रहा। चलिए मेरे साथ एक साथी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। हाँ जी भाई सर, क्या मुख्य समस्या है आपकी? क्या मुख्य समस्या ये है सर, ये बिजली विभाग की भर्ती हैं 11/2019 की, जो पिछली साल मई 2019 में निकाली गई थी। फरवरी 2019 के अंदर इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज के। इसके अंदर टोटल 27 कैटेगरीज हैं, यानी कि अगर हम ALM असिस्टेंट लाइनमैन और UDC अपर डिवीजन कलर्क को छोड़ दें तो इसके अलावा 1556 पोस्टें बच जाती हैं, यानी कि 1556 पोस्टों के लिए कैटेगरी बच गई हमारे पास 25। किसके अंदर कितनी पोस्टें हैं, अब किसी के अंदर 10 पोस्टें, किसी के अंदर 15 पोस्टें, किसी के अंदर 20 पोस्टें हैं, ठीक है सर। अगर उनका DV भी करवाया जाए ना तो एक दिन में पॉसिबल है। जब आप JEE का करवा सकते हो 4500 पोस्टों के लिए, 4500 पोस्टों के लिए आप कलर का करवा सकते हो, बाकी बच गए IT इंस्ट्रक्टर के लिए, अगर आप उनका करवा सकते हो तो हमारी भर्ती में क्या प्रॉब्लम है? हमारी भर्ती में कितने बाकी हैं? हमारी भर्ती में सिर्फ किसी में 6 पोस्ट हैं, किसी में 8 पोस्ट हैं, किसी में 10 पोस्टें हैं, किसी में 100 हैं, मैक्सिमम LDC की हैं जिसमें 500 पोस्टें हैं। तो सरकार क्यों नहीं संज्ञान में ले रही इस मामले को? हमारी मंत्री जी से यही मांग है कि हमारे मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लाया जाए और हमारी भर्ती के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए शुक्रिया सर बातचीत के लिए। चलिए इस मामले में अभी चौधरी रणजीत सिंह जी क्या कहते हैं वो जानते हैं। 11/2019 को एक एडवर्टीजमेंट निकलती है, 11/2019 उसका नंबर था, उसमें बताया जा रहा है कि अब तक जो एग्जामिनेशन है वो हो चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ना तो पहली शॉर्टलिस्ट लगी है, ना कैंडिडेट को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। बिजली डिपार्टमेंट की ये वेरियस भर्तियाँ, बिजली डिपार्टमेंट के वेरियस नहीं, अभी जैसे हमने JEE सेलेक्ट करके सबको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ कुछ हुआ है, हो रहा है, कोई चीज़ें अंडर प्रोसेस हुआ करती है, वो जब वो टाइमली हो जाएंगे तो उसके बाद करेंगे। हम कोई काम कच्चा और गलत नहीं करना चाहेंगे, जब सब फॉर्मेलिटीज कवरअप हो जाएंगे तो कर देंगे। सर इसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट में केस गया था लेकिन वो सारे दलीलें वगैरह जा चुकी हैं, अब तो सिर्फ एक रिजल्ट की इंतजार है बच्चों को, उसके लिए ज्ञापन भी उप मुख्यमंत्री को भी दिया है, आपको भी दिया गया बता रहे हैं। अब अगर कोई आप ऐसा कह रहे हैं कोई लेटेस्ट इन दिनों में आया तो, क्योंकि इन दिनों में कोरोना करके 3 महीने में कई चीज़ें नहीं देखी गई, क्योंकि हमें मेन जो सामने काम था कि कोरोना को कैसे बढ़ने से रोका जाए, उसी पे सब की एनर्जी थी, कोई दूसरे काम देखे नहीं जा रहे थे। कोई ज्ञापन आया ऐसी चीज़ है तो हम एग्जामिन करेंगे, तुरंत फैसला करेंगे।